हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि हम लैंग्वेज को कैसे चेंज कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी पर जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी पे जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको इधर की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है टेक्स्ट टू स्पीक सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है लैंग्वेज, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपको यहाँ पर लैंग्वेज दी जा रही है, जैसे कि अल्बेब्रम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाली है, जापान है, जर्मन है, इंग्लिश है और फ्रांस है, गुजराती है, हिंदी है, जापान है, कौन है, मलयालम है, नेपाली है और पंजाबी है, तमिल है, तमिल है, और अपनी कंट्री के हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। ऑफेंस अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका हमारे पास, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है लैंग्वेज। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।